Good afternoon, class. Today I'm taking business mathematics and statistics, BCom students, second semester. हम start से start करेंगे, presuming कि आपका business maths का course complete हो गया है. Now the chapter which I am undertaking right now is measures of central tendency. इसमें हम arithmetic mean पढ़ेंगे सबसे पहले. इसमें इस chapter में क्या-क्या चीजें हम cover करेंगे? Mean, median, mode. और क्या कवर करेंगे हम इसके अंदर? ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन. सो एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आई मस्ट टेल यू कि यू कैन एक्सपेक्ट 10 मार्क्स क्वेश्चन पेपर फ्रॉम दिस यूनिट. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अरिथमेटिक मीन. मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? एवरेज होता है. एवरेज, जैसे कि हम ये कहते हैं कि एवरेज निकालने का हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एवरेज निकालने का वे आउट क्या होता है. हम सारी ऑब्जर्वेशंस को, जो भी उनकी वैल्यू गिवन होती है, उनको जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, एन से डिवाइड कर देते हैं. इसका फॉर्मूला हम ऐसे ही लिखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लू अगर 5 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स आए हैं अलग अलग, तो उनका मुझे एवरेज चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगी? 14 + 16 + 19 + 25 + 21 डिवाइडेड बाय 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, इट गिव्स अस 19 हमारा अरिथमेटिक मीन हुआ. बट ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, हमारे को इसमें क्या गिवन था? हमारे को सिर्फ ये गिवन था कि 5 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं, या 5 ऑब्जर्वेशंस हमारे को ये गिवन थी. तो ऐसे केस में जब हमारे को सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन है और इनके हमारे को चाहिए एवरेज, अरिथमेटिक मीन, तो हम ये कहेंगे ये केस हुआ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का, राइट? ये इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का केस हुआ. अब हम आएंगे इसके बाद डिस्क्रीट. ये मान के चलिएगा, चाहे मैं मीन डिस्कस करूंगी आपसे, चाहे मीडियन डिस्कस करूंगी, चाहे मोड डिस्कस करूंगी, कुछ भी डिस्कस करूंगी, हमेशा आपको 3 चीजों की बात करूंगी. एक बात करूंगी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की, दूसरी बात करूंगी मैं आपसे फ्रीक्वेंसी की. डिस्क्रीट, जब ये सीरीज इंडिविजुअल के जगह डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन होगी, उसकी फ्रीक्वेंसीज मेंशनड होंगी. तीसरी बात जब मैं करूंगी तो इसके जगह आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस. जैसे आप सुनते होंगे ना कॉन्टिन्यूअस इंटरवल, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस टाइप का आपने स्टैट्स 12th में भी पढ़ रखा होगा. अभी आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताऊंगी. केस वन हमने अरिथमेटिक मीन का केस वन इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस पढ़ा है, जिसके अंदर हमारे को ये ऑब्जर्वेशंस गिवन थी, हमने उनका मीन निकाल लिया. नाउ आई एम स्विचिंग टू केस टू, डिस्क्रीट. नाउ क्लास, अरिथमेटिक मीन का केस टू कर रहे हैं हम, डिस्क्रीट. डिस्क्रीट सीरीज, इसमें आप देखिए अगेन हमें मीन निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है. बट अब क्या होगा, हमारे को हर ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी गिवन होगी. जब हमारे को हर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, तो हम फ्रीक्वेंसी को हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम ऐड करेंगे दूसरी फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करके दूसरी ऑब्जर्वेशन से, एंड सो ऑन. और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे सारी फ्रीक्वेंसीज को टुगेदर से, हम सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे और फिर हम डिवाइड कर देंगे इन्हें. फॉर्मूला हमारा क्या बनता है? समिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समिशन एफ. व्हाई आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल इज, आपने ये सारी चीजें 12th में, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखी हैं. फिर हम यहाँ पर आते हैं, हमारा ये अरिथमेटिक मीन कैसे निकल रहा है? ये समिशन एफ एक्स अपॉन एन लिखा हुआ है इसने. समिशन एफ और एन, एज आई सेड, एक ही बात है. समिशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसीज और एन, एक ही बात है, ठीक है? तो दिस इज द सेकेंड मेथड, जब आपको डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी, फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज गिवन होगी. नाउ वी आर स्विचिंग ओवर टू थर्ड, कॉन्टिन्यूअस वन. एंड क्लास, बिफोर आई स्विच ओवर टू द थर्ड केस 3, आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट व्हाट डिफरेंट फॉर्मूलाज वी कैन यूज हियर. जब हमारे को डिस्क्रीट सीरीज गिवन होगी, तो डिस्क्रीट सीरीज के कैलकुलेशन के लिए एक तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला बता दिया, और हम क्या क्या फॉर्मूलेज यूज कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बता रही हूँ. सो क्लास, एज आई टोल्ड यू, अरिथमेटिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में एक तो मेथड ये होता है, समिशन एफ एक्स अपॉन समिशन एफ. तो जब ये वाला मेथड होता है तो हम इसको कहते हैं ये तो डायरेक्ट मेथड है. बट देयर इज वन शॉर्टकट ऑल्सो,
तो जो शॉर्टकट है उसका फॉर्मूला क्या है, उसमें भी हम अरिथमेटिक मीन ही कैलकुलेट कर रहे हैं. बट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम अरिथमेटिक मीन? एज्यूम्ड मीन में हम ऐड करते हैं समीशन एफ डी अपॉन एन. नाउ द पॉइंट कम्स, ए क्या है ये, डी क्या है ये, एन क्या है. एन तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी, समीशन ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी. ए हमारा एज्यूम्ड मीन है. अब याद करिए, हमने ये चीज पढ़ रखी है 12th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, कि जब फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशंस होते हैं तो इसके अंदर हम एज्यूम्ड मीन एज्यूम करते हैं, एक वन ऑफ द मेथड होता है. तो एज्यूम्ड मीन हमने ए बोल दिया उसे, जो भी हमने वैल्यू लेट करेंगे इसमें. डी क्या होगा इसके अंदर? डी होगा आपका एक्स माइनस ए. जो भी आपकी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन होगी, हर ऑब्जर्वेशन में से जब आप एज्यूम्ड मीन को माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल के आएगा. फिर हर उस डी को आप हर बार एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनका जो समिशन आएगा उसको आप एन से डिवाइड करेंगे. एन क्या है? समिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो दिस इज द सेकेंड मेथड. नाउ वी हैव डिस्कस्ड अरिथमेटिक मीन. नाउ आई एम स्विचिंग ओवर टू नेक्स्ट. ओके क्लास, बिफोर वी गो फर्दर, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में ही बताया था कि अरिथमेटिक मीन में हम तीन चीजें डिस्कस करने वाले हैं. मैंने आपसे कहा था कि हम एक तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस डिस्कस करेंगे, सेकंड नंबर पे डिस्क्रीट सीरीज डिस्कस करेंगे, तीसरे नंबर पे कॉन्टिन्यूअस सीरीज. अभी ये हमारी मिस हो गई थी, तो अब हम ये लास्ट कॉन्टिन्यूअस सीरीज डिस्कस कर रहे हैं. कॉन्टिन्यूअस सीरीज क्या होती है? इंटरवल में जब बात होती है, 0 से 10 का इंटरवल, 10 से 20 का, 20 से 30, 40 से 50, इस तरीके से जो हमारा इंटरवल चलता है उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज. और उसके आगे जो फ्रिक्वेंसीज लिखी होती हैं, supposedly 0 to 10, 10 to 20, देखिए क्लास, इंटरवल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे और इसके साथ साथ फ्रिक्वेंसीज लिखी हुई हैं. जब भी इस टाइप का होता है तो हम कहते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज का है. ऐसे केस में अरिथमेटिक मीन आपको जब निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? तीन मेथड्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड. डायरेक्ट मेथड जैसे अभी हमने डिस्क्रीट सीरीज में डिस्कस किया था, कैसे निकालते हैं? समिशन एफ एक्स अपॉन समिशन एफ, जिसको हम समिशन एफ को एन भी बोल सकते हैं. शॉर्टकट मेथड वो कैसे होता है, ये बताया था आपको मैंने, एज्यूम मीन प्लस समिशन एफ डी अपॉन एन, जहां पर डी को कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया था. अब थर्ड एक और मेथड ऐड हो जाता है इसमें, वो कौन सा है? स्टेप डिविएशन मेथड. स्टेप डिविएशन मेथड में मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है, इसमें हम एज्यूम्ड मीन में ऐड करते हैं समिशन एफ यू अपॉन एन इंटू एच. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये हम नया वेरिएबल देख रहे हैं यू, व्हाट इज यू, हाउ इज इट कैलकुलेटेड? तो यू कैलकुलेट होता है एक्स माइनस एज्यूम्ड मीन को अगर हम h से डिवाइड कर दें तो. और h क्या है? h यहाँ पे सिग्निफाई करता है आपका क्लास इंटरवल का जो गैप है. सपोजिटली यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 10 का था, फिर 10 से 20 का था, तो गैप कितना है इंटरवल के बीच में? 10 का है, तो h की वैल्यू यहाँ पे 10 होगी. तो जब ये हमारा u कैलकुलेट हो जाएगा तो हम हर u को मल्टीप्लाई करेंगे हर f से, और मल्टीप्लाई करके हमारा समिशन एफ यू आएगा, एंड दिस इज द फॉर्मूला. So I have now told you all the formulas to calculate arithmetic mean. Now we are moving ahead. So class, next अब हम कर रहे हैं, अभी हमने arithmetic mean पढ़ा है, arithmetic mean में ही हम आगे चल के एक चीज पढ़ रहे हैं, combined mean. आपके examination point of view से arithmetic mean से आते हैं question दो number के generally. बट उससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है वो आपका रहता है कंबाइंड मीन. कंबाइंड मीन में ऐसे आपको निकालने के लिए आपको दो ग्रुप्स दे रखे हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक ग्रुप में मान लो 10 ऑब्जर्वेशन है, दूसरे ग्रुप में मान लो 5 ऑब्जर्वेशन है. तो इसलिए आपको N1 10, N2 5 आप लेंगे, और हर एक ग्रुप का आपको मीन गिवन होगा, जैसे मीन 1 ऑफ फर्स्ट ग्रुप, मीन 2 ऑफ सेकेंड ग्रुप. अब आपको पूछा जाएगा आप कंबाइंड मीन निकाल के दिखाएं, तो कंबाइंड मीन आप कैसे निकालेंगे? N1 इंटू मीन 1 पहले ग्रुप का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंटू मीन ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सेकंड ग्रुप इंटू मीन ऑफ द सेकंड ग्रुप.
डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दोनों ग्रुप की, तो हमारा ये कंबाइंड मीन आ जाएगा, मीन वन टू कंबाइंड मीन आ जाएगा पूरे का. ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि हमारे को दो ही ग्रुप्स दे रखे हों, डाटा हमारे तीन ग्रुप्स चार ग्रुप्स कितने का भी हो सकता है. अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे प्लस एन थ्री एक्स थ्री का मीन प्लस यहाँ पे एन थ्री आ जाएगा, यहाँ पर ये टोटल हमारा आ जाएगा. अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, अब इसको देखिए पढ़िए. एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो कंसिस्ट करता है तीन कॉम्पोनेंट्स का, द टोटल फ्रीक्वेंसीज ऑफ 200, 250, 300, ठीक है. तो बेसिकली हमारी एन वन की वैल्यू 200 है, एन टू की वैल्यू 250 है और एन थ्री की वैल्यू 300 है. फिर ये आगे बताते हैं उन तीनों का इंडिविजुअली, अगर इसका मीन इनका आया 25 मीन, इसका मीन 10 आया और इनका 15 आया. अब ये बोल रहा है कि पूरे का कंबाइंड मीन निकाल के बताओ. तो कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला एज आई डिस्कस्ड, उसी में हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, क्या रहेगा आपका n1 into mean 1 plus n2 into mean 2 plus n3 into mean 3 upon number of observations n1 plus n2 plus n3. वैल्यूज आपको n वगैरह की गिवन है यहाँ पे. तो अब अल्टीमेटली हम जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो मैं अब आपको इसका सॉल्यूशन लिख देती हूँ यहाँ पे, फाइनल सॉल्यूशन. सो क्लास यू कैन सी हियर इसका ये कैलकुलेशन है, फाइनली इसका आंसर 16 निकल के आ रहा है, ठीक है. तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट प्रोबेबली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, आई एम इरेजिंग दिस. क्लास वेटेड अरिथमेटिक मीन पे बहुत रेयर आए हैं क्वेश्चंस, बट आ जाते हैं, इसलिए मैं स्किप नहीं करके चल रही इस टॉपिक को. इसके अंदर हमारे को जब अरिथमेटिक मीन है तो हमारे को पता है कैसे निकलता है. जनरली हमारा ये मीन ऐसे ही निकलता है, x1 plus x2 ऐसे करके हम ऐड करते थे, उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते थे. बट अब इसमें वेट्स आ गए हैं, और जब वेट्स आ गए हैं इसमें तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम. मान लो एक स्टूडेंट है जिसके पास सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश, स्टैटिस्टिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, टैक्स. उसकी परसेंटेज इनमें आई 46%, 67, 72, 58, 53 रिस्पेक्टिवली. वेट्स हमने दिए, इंग्लिश और स्टैट्स को डबल वेट दिए जाएंगे, बाकी के सब्जेक्ट्स को सिंगल वेट दिया जाएगा. तो ठीक है, हमने इंग्लिश को टू वेट्स दे दिए, स्टैट्स को टू वेट्स दे दिए, बाकी सबको वन वेट दे दिया. अब हम ये जो परसेंटेज है ये हमारा x है, x अज्यूम करेंगे हम इसको, इसमें ये हमारा वेट्स हैं. तो wx, w को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा. फिर जो इसका सबमिशन आएगा उसको हम wx बोलेंगे. इससे हम सबमिशन wx को के बाद हम डिवाइड करेंगे w को, w के सबमिशन को. w का सबमिशन मतलब वेट्स का सबमिशन. वेट्स का सबमिशन यहाँ पे कितना आया था हमारा, सात, दो प्लस दो प्लस एक, एक एक, ये सब हमारा एड करके सात आया था. जब इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा ये आ जाएगा वेटेड अरिथमेटिक मीन. क्लियर टू ऑल? वी आर स्विचिंग टू नेक्स्ट टॉपिक नाउ. क्लास अब हम पढ़ रहे हैं मीडियन. आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अरिथमेटिक मीन का दो नंबर का क्वेश्चन तो हम मिनिमम एक्सपेक्ट करके चलते हैं, बट मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन होता क्या है? एक पोजिशनल एवरेज है ये. जब भी आपको ये पोजिशनल एवरेज निकालनी है, सबसे पहले मैं आपको ये बोल रही थी पिछली बार भी कि हम तीन चीजों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, चाहे हम मीन पढ़ेंगे, चाहे हम मीडियन पढ़ेंगे, चाहे हम मोड पढ़ेंगे. हम सबसे पहले इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए पढ़ेंगे, सेकंड नंबर पे डिस्क्रीट सीरीज के लिए पढ़ेंगे जिसमें फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं, तीसरे नंबर पे और टफ हो जाता है, इंटरवल्स आ जाते हैं, तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज कहते हैं उसे, हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए पढ़ेंगे. तो अगेन मीडियम का केस वन है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, जिसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशंस गिवन है आपको, कोई फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं है. अब जब आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन है और आपको इसका मीडियन निकालना है, तो आपको हमेशा याद रखना है मीडियन इज अ पोजिशनल एवरेज. इसको निकालने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करोगे डाटा को. तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो हम छोटे से बड़ा अगर इसको अरेंज करें, बताइए अरेंज्ड डाटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है. अब ऐसे केस में मैं आपसे कहूंगी कि मीडियन बताओ, तो आपको अभी कैलकुलेशंस लंबी चौड़ी नहीं, अगर एक लेमैन की तरह आपको बताना है कि मीडियन क्या है, तो आप कहोगे कि मैम मीडियन का मतलब ऑलमोस्ट जो इसके बीच में हो कहीं,
बीच में हो तो ये 18 बीच में लग रहा है, तो ये मीडियन है, ठीक है, तो 18 इसका मीडियन होगा. बट एग्जाम में जब भी आता है डाटा, पहली बात तो इतना सिंपल नहीं आएगा, दूसरी बात कि अगर आ भी जाए तो हमारे को वे आउट पता होना चाहिए, एग्जैक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे हम इस तरीके से निकालेंगे तो हम फंस भी सकते हैं. तो वी आर गोइंग विद द फॉर्मूलाज नाउ. क्लास नाउ, मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये डाटा है तो हम तो बिल्कुल देखकर ही बता सकते हैं कि मीडियन कैसे निकलेगा, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज होता है. हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे और निकाल लिया. एक बार आप देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी. जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो ऐसे केस में मीडियन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू. So n plus 1 by 2th observation when n is odd, उसको हम median कहेंगे. तो यहाँ पर n, n मतलब क्या हुआ यहाँ पे, number of observations कितनी है, 5. 5 में ये कह रहा है एक और जोड़ लो, 6 हो गया, 6 divided by 2 क्या हो गया, 3. तो third जो observation है वो यहाँ पर median की value होगी. तो यहाँ पे इस पूरे में जो third observation थी वो हमारी median की value निकल आई. तो क्योंकि मैंने आपसे कहा कि फॉर्मूले के बिना इस काम केस में काम चल गया, आगे नहीं भी चल सकता, तो इसीलिए वी गो विद द फॉर्मूला कि जब भी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जैसे 5, 7, 9, 11, तब हम यही फॉर्मूला करेंगे ऐड कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में 1 ऐड करेंगे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, फिर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस निकल कर आएंगी उस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे कि यहाँ पर आया 3rd, वो हमारा मीडियन होगा. बट ये केस था जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थी 5, 7 वगैरह. अगर इवन आ जाए लाइक 6, 8, 10, मान लो यहाँ पे एक और टर्म होती, तब कैसे निकलेगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 85, 69, 74, 60, 59, 84, अब टर्म्स हो गई 6 हमारी. जब 6 टर्म्स हो गई तब मीडियम कैसे निकलेगा. अब ये इवन का केस है, तो ये इवन के केस में कहते हैं द फॉर्मूला इज, मीडियम कैसे निकलेगा कि अरिथमेटिक मीन ऑफ वैल्यूज ऑफ n by 2th and n by 2 plus 1th observation when n is even. n क्या होता है हमारा, number of observations. n यहाँ पर क्या निकल कर आया इस डाटा के लिए, हमारा n क्या निकल कर आया, 6 observations थी हमारी. जब हमारी यहाँ पे 6 observations थी तो 6 observations के लिए क्या कह रहा है, n को 6 यहाँ पे डाल दिया, 6 by 2. 6 by 2 क्या हो गया, 3. तो 3th observation and n by 2, again 6 by 2, हमारे यहाँ पे ये आ गया 3. 3 plus 1 मतलब 4. ये था 6 by 2 मतलब 3rd, मतलब 3rd observation और 3 plus 1 4, 4th observation. इन दोनों के observations का arithmetic mean निकाल लो, वो होगा हमारा median. तो यहाँ पर 6 में से 3rd ये है, 4th ये है, इन दोनों ही का हमने अरिथमेटिक मीन निकाल लिया. कैसे निकाला हमने अरिथमेटिक मीन, 74 plus 6. क्लास, वी हैव स्किप्ड वन स्टेप, वी हैव स्किप्ड द स्टेप ऑफ असेंडिंग ऑर्डर में इसको हमने अरेंज करना था, क्योंकि एज आई सेड कि मीडियन जब भी होगा हम उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे. तो अब हम सीधे यहाँ पे 3rd, 4th नहीं लेंगे, हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगाएंगे. असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाइए इसे, सबसे छोटी वैल्यू इसमें हमारी, ओके क्लास नाउ आई एम सेइंग, हम पहले गलती से डायरेक्ट देखने लगे थे बट हम भूल गए थे कि हमें अरेंज करना है. इस डाटा को हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा. जब छोटे से बड़ा अरेंज किया तो हमारी तीसरी टर्म आई 69 और चौथी आई 74. अभी हमने निकाला था ना 6 टर्म्स का, हम इस फॉर्मूले के थ्रू हमारी 3rd और 4th टर्म का अरिथमेटिक मीन निकालना था. तो 69 प्लस 74 डिवाइडेड बाई 2, 71.5 जो होगा हमारा, ये वैल्यू आएगी हमारी इस मीडियन की, ठीक है.
तो अब आपने सीख लिया कि ऑड के केस में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स जब होती है तब हम मीडियन कैसे निकालते हैं, और जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती है तब मीडियन कैसे निकालते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे।